नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट में। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, और आज थी भी, और आने वाली तिथि को यदि आपकी परीक्षा है तो आप सावधान हो जाइए। क्यों सावधान हो जाएंगे, क्यों आपको सावधानी बरतनी है, सारी जानकारी आपको बताएंगे इस वीडियो में। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके माननीय बिहार सरकार नीतीश बाबू जी हैं, उनकी कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी हैं नीतीश बाबू जी की, जिन्हें आप देखने के बाद चौकन्ने हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि आने वाली तिथि की आपकी परीक्षा है तो आप सावधान रहिए। कुछ ऐसे आपको इमेज दिखाएंगे, कुछ ऐसे आपको न्यूज़ के आर्टिकल्स दिखाएंगे, जिसे आप पढ़ने के बाद, देखने के बाद आप लोग भी भौचक्के रह जाएंगे। आई होप आप लोग उस न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ लिए होंगे, बट मैं अपना ओपिनियन कुछ देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाली तिथि को यदि आपकी परीक्षा है तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। उससे पहले आप ये इमेज देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इस इमेज से आप लोग आंकड़ा लगा सकते हो, या इस इमेज से आप लोग गेस लगा सकते हो कि माननीय नीतीश बाबू जी का कैसा यहाँ पर व्यवस्था की गई है, और ये अभ्यर्थी किस तरह से कतार में खड़े हुए हैं। मानो ये आप लोग देख पा रहे हो, कुंभ का मेला जैसे लग गया हो स्टेशन पर ही। तो चलिए आपको आगे ले चलते हैं और सारी खबर बताते हैं। आप लोग इस न्यूज़ के आर्टिकल को देख पा रहे हो, ट्रेनों में परीक्षार्थियों का कब्जा, यात्री परेशान। तो आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है माननीय नीतीश बाबू सरकार के द्वारा, सिपाही परीक्षा को लेकर पटना जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो जब सरकार को पता था कि आने वाली तिथि में परीक्षाएं हैं तो उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी, और उनको जब पता था, गेस उनको लगा था, गेस क्या, एक सर्वे होता फ्रेंड्स, और सभी लोगों को पता होता है कि टोटल कितने फॉर्म आए, ठीक, टोटल कितने फॉर्म आए आप लोगों ने देखा था, और उनके द्वारा बताया भी गया था कि टोटल फॉर्म कितने आए हुए हैं। तो क्या आपको नहीं पता था कि ये टोटल अभ्यर्थी परीक्षा देने जाएंगे, इनकी कोई स्पेशल व्यवस्था करनी चाहिए, आपको एक स्पेशल ट्रेन चलवानी थी, आपको एक स्पेशल ट्रेन चलवा लेते परीक्षार्थियों के लिए। तो ये दिन देखने को थोड़ी मिलता है, ऐसा ऐसा आप लोग दृश्य जो देख पा रहे हो, ये नज़ारा जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कोई भी अभ्यर्थी चोटिल होता है या किसी के साथ खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आप लोग देख पा रहे हो इस इमेज में, और कुछ वीडियो क्लिप भी सामने आई थी, उन वीडियो क्लिप में देखने को मिला होगा आप लोगों को, रविवार को बिहार पुलिस की सिपाही बहाली परीक्षा को लेकर शहर में काफ़ी गहमा गहमी रही। बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की खासी भीड़ रही। पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर भी आने जाने वाले परीक्षार्थियों को लेकर ट्रेनों में रक्षकश्मी का आलम रहा। पटना जंक्शन से खुलने वाली पटना कटिहार और यहाँ पर इंटरसिटी, आप लोग देख पा रहे हो, बताया जा रहा है कि जो 1:30 बजे पहुंची यहाँ पर जो ट्रेन थी वो काफ़ी लेट हुई, और ट्रेन के पहुंचते ही परीक्षार्थियों ने सीट कब्जा करने लगे। दिन में 2:15 बजे के बदले 2:30 बजे तक कटिहार के लिए रवाना हुई, तब तक ट्रेन में खचाखच परीक्षार्थी सवार हो गए, और इससे डिब्बे में पाँव रखने तक की जगह नहीं मिल रही थी। वहीं टर्मिनल से दिन के 3 बजे पहुँचे, और आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर जो 3 बजे खुलने वाली राजेंद्र नगर, और ये जो अभ्यर्थी हैं इन सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, और ये आप देख पा रहे हैं डिब्बे में परीक्षार्थी सवार हो गए, और जिससे यहाँ पर देख पा रहे हैं कोई भी जो जनरल था, स्लीपर था, एसी था, सभी में लोग यहाँ पर भर गए थे, आरक्षण टिकट लिए, यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो यात्रियों की परेशानी तो बढ़ गई थी, फिलहाल ये जिम्मा सरकार का था, और इसके बारे में सरकार को पहले से योजना बनानी थी। ठीक, सरकार को पहले से सोचना था, बिहार में इतने ज़्यादा हादसे होते हैं, और जब आपके बिहार में बाढ़ आई थी, इतनी बड़ी बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ से, उस उदाहरण से भी बिहार सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। तो आप लोग देख पा रहे हो ऐसा कुछ यहाँ पर नज़ारा देखने को मिला। फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आने वाली तिथि को आपको परीक्षा है आपकी, तो आपको एक दिन पहले निकल जाना है, क्योंकि जिस दिन परीक्षाएं होंगी उस दिन अगर आप निकलने की कोशिश करोगे, यानी आपको शाम की परीक्षा है तो आज सुबह के निकलने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, एक दिन पहले से ही निकल जाइएगा, क्योंकि इस भीड़ का आपको सामना करना पड़ेगा, और आपके साथ कोई हादसा भी हो सकता है, तो ये आप ज़रूर समझिएगा, सावधानी बरतिएगा। ठीक, और सरकार ने तो कोई व्यवस्था नहीं की है, फिलहाल आप चौकन्ने हो जाइए,
और आप सावधानी पूर्वक यात्रा कीजिए और अच्छे से पेपर देने जाइए, क्योंकि आपको बहुत सारी परीक्षाएं देनी हैं और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, तो इन हादसों से ज़रूर आप दूर रहिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, ये नोटिफिकेशन यदि आप चाहते हो, न्यूज़ चाहते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये न्यूज़पेपर शेयर कर दिया जाएगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।